two springs of spring constant K1 and K2 are joined in series, the effective spring constant of the combination is given by. तो देखो आपके पास क्या है, यहाँ पर दो स्प्रिंग है, एक स्प्रिंग ये वाला है, एक स्प्रिंग ये है, इसको कनेक्ट किया ब्लॉक के साथ जिसका मास क्या है m. हालांकि आपको इसका फार्मूला पता ही होना चाहिए, फार्मूला क्या आता है, K1 K2 by K1 plus K2. डेराइव भी करके देखते हैं, K1 है K2 है. अगर मैं इस स्प्रिंग को फोर्स लगा के पुल करता हूँ इधर, राइट, तो क्या हो जाएगा फिर यहाँ पर, ये K1 जो स्प्रिंग है ये भी एक्सटेंड होगा एंड K2 भी क्या होगा, एक्सटेंड होगा. तो ये जो आपका फोर्स आएगा जो स्प्रिंग वन के अंदर डेवलप होगा वो होगा क्या होगा, K1 x1, एंड स्प्रिंग टू के अंदर जो डेवलप होगा वो होगा K2 x2, राइट. तो अभी यहाँ पर आपका जो डिस्प्लेसमेंट होने वाला है, नेट डिस्प्लेसमेंट, उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, x1 प्लस x2 लिख सकते हैं, राइट. तो ये जो x1 है क्या आएगा, f1 बाई k1, एंड x2 क्या है, f2 बाई k2 है. एंड जो आपका x आएगा वो मान लो f डिवाइडेड बाई k इक्विवेलेंट है. एंड वी नो दैट कि यहाँ पर फोर्स का वैल्यू, जितने भी फोर्स है सारे फोर्स का वैल्यू क्या सेम है, तो F1 F2 चला गया. तो बचा क्या, 1 by k इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 by k1 प्लस 1 by k2. तो ये इसको सॉल्व करो तो तुम्हें मिल जाएगा K1 K2 डिवाइडेड बाई K1 प्लस K2. तो ऑप्शन सी इज़ अ करेक्ट वन.